दोस्तों फिर से अनबॉक्सिंग वाली वीडियो लेकर आ चुका हूँ। अब इसके अंदर क्या है उसे बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो मेरा लैपटॉप आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक कीबोर्ड का कवर चढ़ाया हुआ है जो कि एक प्लास्टिक है, एक तरीके से कह सकते हैं रबड़ टाइप का, और ये काफ़ी चीप है जब बहुत पहले मैंने लिया था। तो अब मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ क्योंकि अब जो है इसके अंदर डस्ट जा रही है और ये है जो है ख़राब होता जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लग ही गया होगा आपको कि इसके अंदर क्या है। तो ये जो कीबोर्ड कवर है ये अमेजोन पे 373 का है, मतलब 373 का। तो लेने से पहले आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर कुछ फोटोज भी हैं, उनका ध्यान रखें कि ये अगर आपके लैपटॉप के अंदर कुछ इस तरह की की है, राउंड कॉर्नर वाली की, और इसमें कुछ और भी चीजें दी हुई हैं यहाँ पर, अगर ये हैं तो ये ना लें, सिर्फ ये उन्हीं के लिए है जिनके कीबोर्ड, जिसके लैपटॉप के अंदर स्ट्रेट कॉर्नर जो है वो कीज है, मतलब इस तरीके की, जिस तरीके की इसमें दिया हुआ है। तो ये सब अपने कीबोर्ड के अंदर आप अच्छे से देख लें, वही उसको परचेज करें, नहीं तो ये राउंड की वाला नहीं है। तो मैंने तो अपने लैपटॉप के लिए देख लिया था, मेरा लैपटॉप जो है HP पवेलियन है तो उसके लिए ये सुटेबल है। तो अगर आप परचेज कर रहे हैं तो अमेजोन पे जाकर आप बहुत ध्यान से चीज़ों को देखें, उसके बाद परचेज करें। तो ये बहुत सस्ता मिल रहा था, वैसे मैंने ऑफलाइन पता करा था, ऑफलाइन महंगा था, 450 या 500 तक का जा रहा था। कभी कभार कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑफलाइन अच्छे मिल जाते हैं बट ऑनलाइन अच्छे नहीं मिलते, बट कभी कभार ऐसा होता है जो ऑनलाइन अच्छे मिलते हैं ऑफलाइन अच्छे नहीं मिलते हैं। तो अभी पिछली वीडियो मैंने जब बनाया था उसके अंदर मैंने आपको एक ट्राइपॉड दिखाया था, जो ट्राइपॉड ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा महंगा था, मतलब 2000 का था, और वो मुझे 1100 रुपये मिला था। तो होता है कभी कभी, इसलिए हमें परचेज करने से पहले बार्गेनिंग बहुत अच्छी सी करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह की मार्केट को, ऑनलाइन में कहाँ कहाँ कितने कितने के सामान मिल रहे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे, तो ये सब भी देखना चाहिए। तो बातें बहुत हो गई, फटाफट से मैं दिखाता हूँ ये कौन सा कीबोर्ड है और किस तरीके से। आपने देख तो लिया होगा कि इसके अंदर वेबसाइट्स में अमेजोन की ये दिखने में कैसा है, तो अभी मैं फिट करके दिखाऊंगा आपको कि ये कैसा फिट आता है और सच में ये मेरे कीबोर्ड के कंपेटिबल है भी या नहीं। तो ठीक है, फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी देख सकते हो ये मैंने ओपन भी नहीं किया है, तो ये आज ही डिलीवर हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे मुझे अमेजोन के बिल मिले हुए हैं, देख सकते हो आप, जो बाहर नहीं थे, इनके अंदर एड्रेस वेड्रेस सब है, तो मैं उसको आपको नहीं दिखा सकता, वैसे एड्रेस इतना खास साफ दिख नहीं रहा है इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, इसको मैं अभी रखता हूँ साइड में। और ये वाला जो था पहले से जो कीबोर्ड का कवर था ये वो वाला था, तो ये ज़्यादा खास नहीं है, इसे साइड रखते हैं। तो अभी इसको हटाते हैं, ये देखो कुछ इस टाइप का है, ये बहुत ही मस्त लग रहा है यार सच्ची में देखने में। तो ये कुछ इस तरीके की पॉलिथीन में आता है और इसके अंदर भी ऊपर यहाँ पर सेलो टेप लगी हुई है, तो इसे मैं रिमूव करता हूँ और देखते हैं इसे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है यार, क्या मस्त है। तो देख सकते हो आप ध्यान से इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो दिन दोनों कवर के अंदर जो कीज है ना उसके लिए कटआउट बने हुए हैं, ध्यान से देखो इसके अंदर, तो इसके अंदर कीज के लिए कटआउट बने हुए हैं और इसके अंदर कीज के लिए कोई कटआउट नहीं, एकदम प्लेन है, सिंपल है। तो यहाँ पर कीज के ऊपर नंबर भी दिए हुए हैं, कटआउट भी बने हैं, जिससे आपके जो कीबोर्ड है लैपटॉप का उसके अंदर आसानी से ये फिक्स हो जाएगा, जाके फिट हो जाएगा, और बहुत ही मस्त लग रहा है मुझे ब्लैक कलर। तो इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक ब्लैक कलर में, एक ट्रांसपेरेंट कलर में, तो मैंने ये ब्लैक कलर लिया है जो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आपको ये ब्लैक कलर नहीं पसंद है तो आप ट्रांसपेरेंट कवर भी ले सकते हैं, तो वहां पर दोनों ही अवेलेबल है। शायद प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बट ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसको परचेज कर लिया। तो चलो इसको फिट करके देखते हैं। एस्केप की, और देख सकते हो एकदम परफेक्टली फिट हो चुका है, इसका एज टू एज फिक्स हो चुका है, देख सकते हो हर जगह से ये फिक्स है, यहाँ से भी, मतलब कीज के ऊपर इसने अपना कब्जा बना लिया है और एकदम फिट हो चुका है। और टाइपिंग करने में भी यार बड़ा ही मजा लग रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट फिट है इसकी। तो मेरा जो ये लैपटॉप है थोड़ा सिल्वर कलर में है, इसको इसके अंदर ब्लैक लुक कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसकी तो फिलहाल जरूरत नहीं है ये मार्केट, अगर आप चाहते हो कि ये कहाँ से मिलेगा तो ये मार्केट में आपको 100-150 रुपए का मिल जाएगा, बहुत ही चीप होता है। बट इसकी रबड़ की क्वालिटी यार बहुत बढ़िया है, इससे अभी देखो मैंने ऐसे ही करा और ये फट गया है, देख सकते हो। इसकी जो रबड़ की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, इसके जैसी नहीं है। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, तो शुरुआत में मैंने इसे लिया था, अब तो मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर आपको ऑफलाइन ये सस्ता मिलता हो तो मैंने आपको ऑनलाइन प्राइस बता दिया कितने का है ये ब्लैक कलर के अंदर, और अगर आपके लैपटॉप के कंपेटिबल हो तो ही लेना। ये जो पड़ा है 373 रुपए का पड़ा है, 373 इतने का पड़ा है, अगर आपको इसे सस्ता मिल जाता ऑफलाइन तो डेफिनेटली ऑफलाइन परचेज कीजिए,
ऑनलाइन मत जाइए। तो ऑनलाइन मुझे सस्ता मिला था, मेरे आसपास की मार्केट में मुझे नहीं मिला था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगा और अगर ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियोस अगर आप चाहते हो इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। अगर आपको भी परचेज करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप डायरेक्ट अमेज़न से परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।